इससे बढ़िया मौका आप सबके बीच आके उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का, उस व्यक्ति को याद करने का नहीं हो सकता कि हम अपनी देश की एजुकेशन में कुछ और क्वालिटी इंटरवेंशन करें। मुख्यमंत्री जी के आदेश पर अभी हमने स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया है। उसकी वजह भी यही है कि हम थोड़ा देशभक्ति की समझ का अपना दायरा भी बढ़ाएं। क्या है रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, और फिर आज़ाद हुए भी 75 साल हो गए, तो उस सबके बीच ना एक टेंडेंसी डेवलप होती जा रही है हम लोगों के बीच में, समाज में, कि हम सब लोग सुविधा अनुसार देशभक्त होने लगे हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी आ गया, देशभक्ति जग गई। भगत सिंह का जन्मदिन आ गया, शहीदी दिवस आ गया, देशभक्ति जग गई। बॉर्डर फिल्म देख ली तो देशभक्ति जग गई, बॉर्डर की कोई न्यूज़ देख ली तो देशभक्ति जग गई। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही, हम सबको कंटिन्यूस देशभक्त होने की ज़रूरत है। देशभक्ति पाठ्यक्रम डिज़ाइन करते हुए ये संयोग मिला कि पूरे के पूरे देशभक्ति के इस कॉन्सेप्ट को, इस भाव को एक नए नज़रिए से, व्यापक नज़रिए से देखने का इकट्ठे अवसर मिला। तो लगा कि यार इसको पूरे के पूरे को जैसे हम पाठ्यक्रम में दे रहे हैं, एक नए नज़रिए से समझने की ज़रूरत है। आज हम 121वां जन्मदिवस मना रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं, लेकिन क्यों मना रहे हैं ये सोचने की ज़रूरत है। जयंती मनाते वक्त हम कम से कम अपनी धूल हटाने का भी तो काम करें। वो धूल नहीं हटाई और हमने खाली याद कर दिया तो फिर अधूरापन रह जाएगा हमारी देशभक्ति में, उनको याद करने में भी हमारा अधूरापन रह जाएगा। केवल 20 साल की उम्र में गांधी जी के साथ चले गए, उस उम्र में जब हमारे लड़के लड़कियां सेकंड ईयर थर्ड ईयर में यहाँ होते हैं, लगभग वही एज होती है, 20-21 साल की उम्र में जब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के हमारे लड़के लड़कियां यहाँ बैठ के कॉलेज, इसी कॉलेज के कैंपस में सोच रहे होते हैं कि हमसे सीनियर्स का फलानी कंपनी में इतना का पैकेज मिल गया, उस वक्त वो आदमी सोच रहा था पूरे देश के पैकेज के बारे में, वो अपने पैकेज के बारे में नहीं सोच रहा था 20 साल की उम्र में, और घर से निकल के गांधी जी के साथ चला गया। हमें ये भी याद रखना है कि जिस वक्त हम सेकंड जॉब और उससे कैंपस जॉब से कहीं ज़्यादा बेहतर जॉब के लिए स्विच करने की तैयारी कर रहे हैं, उसी उम्र में कुछ लोग इस देश को बचाने के लिए काकोरी ट्रेन लूट रहे, 27 साल की उम्र में फांसी चढ़ रहे थे। अपने से कनेक्ट करके देखने की ज़रूरत है। अगर हम केवल और केवल कुछ शब्दों के सहारे उनको याद करके छोड़ देंगे तो ठीक नहीं हो पाएगा। आज 25 साल के लड़के लड़कियों को, 20 साल के लड़के लड़कियों को, और हम सब लोगों को भी अपने वक्त की चुनौतियों को पहचान के, उनकी देश की चुनौतियों को पहचान के, उसमें से कुछ चुनौतियों को ठीक करने का संकल्प तो अंदर से उठाना चाहिए ना। 121वें जन्मदिन पे इतना तो बनता है। उन जैसे लोग जहाँ भी होंगे याद तो करेंगे कि जिस उम्र में हम इस देश के लोगों के लिए जान दे के आए थे, उस उम्र में कम से कम देश के लिए सोच तो रहे, इतना तो कर दें। अशफाक उल्लाह खान साहब और भगत सिंह जी और तमाम लोगों ने सपना पाला अपने अंदर की वर्तमान चुनौती को, इस चुनौती को हम चुनते हैं और इस चुनौती को खत्म करने के लिए जो बन पड़ेगा करेंगे, जान देनी पड़ेगी तो जान देंगे, वैसा निर्णय आज भी लेने की जरूरत है। उस वक्त देश की चुनौतियां अंग्रेजों से लड़ना मांग रही थी और जरूरत पड़े तो कुर्बानी मांग रही थी, जान की कुर्बानी मांग रही थी। आज देश की चुनौतियां कुछ और मांग रही हैं। आज देश मांग रहा है कि मेरे बच्चे, मेरे लोग, मेरे निवासी मेरे लिए कुछ और सपना देखें। उस वक्त के लोगों ने सपना देखा हमें देश से अंग्रेजों को भगाना है और उसके लिए जो करना करो। आज भी कुछ लोगों को सपना देखने की जरूरत है और सब लोगों को सपना देखने की जरूरत है देश के। तो मैं आज कम से कम इस हॉल में खड़े होकर जरूर कहना चाहूंगा कि अपने अपने हिस्से का एक सपना तो देश के लिए पालिए अपने मन में, एक। मैं नहीं कह रहा सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं नहीं कह रहा पैकेज के पीछे भागना छोड़ दीजिए, कैरियर के पीछे भागिए, जरूर भागिए, इससे देश तरक्की करेगा, वो भी देश की तरक्की का एक साधन है, लेकिन एक सपना तो अपने देश के लिए पालिए। उसी में फिर अपने कैरियर को वेब करिए, उसी में अपने लाइफ को वेब करिए, उसी में अपनी प्रोग्रेस को वेब करिए। मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। देश के सामने आज की चुनौतियाँ क्या हैं? मैं देश की 3 चुनौतियाँ आपके सामने रख रहा हूँ। पहली चुनौती मैं समझता हूँ देश के सामने है कि देश के हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। 3 शब्द हैं, हर बच्चे को, एजुकेशन, अच्छी, तीनों की कंडीशनिंग जरूरी है। कुछ बच्चों को तो ऐसी मिल पा रही है कि वो NSUT तक पहुंच जा रहे हैं, DTU पहुंच जा रहे हैं, IIT पहुंच जा रहे हैं। कुछ बच्चों को अभी IIT का I लिखना भी नहीं आता है, उनको अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NSUT, DTU क्या है ये भी नहीं पता है। देश के हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलना आज देश की एक चुनौती है। अंग्रेजों का अत्याचार और उसको खत्म करना एक वक्त की चुनौती थी। उस वक्त देश के कुछ लोग खड़े हुए थे, उन्होंने सपना पाला था और जान लगा दी थी। आज देश के सामने चुनौती है कि हमारे देश के सब बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। 95% बच्चों को काम चलाओ एजुकेशन मिलती है और 5% बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। हम 100% बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवा पाएं
इस सपने को देखने वालों की जरूरत है। आप में से कितने लोग इसको अपनाना चाहेंगे आप तय कर लीजिए, मेरा इम्पोजिशन है, लेकिन जरूरत है। दूसरी समस्या आज देश के सामने है, बेरोजगारी। पढ़े लिखे लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आज अंग्रेज समस्या नहीं है, आज शिक्षा सबको ना मिल पाना, क्वालिटी एजुकेशन सबको ना मिल पाना समस्या है। आज रोजगार सबको ना मिल पाना समस्या है। इसका समाधान भी निकालना पड़ेगा। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमको पढ़ाया जाता था कि तीन तरह के देश होते हैं, विकसित देश, विकासशील देश और कम विकसित या अविकसित देश। आज मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसको भी यही पढ़ाया जा रहा है। गूगल देख लीजिए हमारे बच्चे चला रहे हैं, आज अलीबाबा देख लीजिए हमारे बच्चे चला रहे हैं, एलन मस्क की कंपनियां चार खुलती हैं तो उसमें से दो हमारे बच्चे चला रहे होते हैं। ये गर्व करने की बात है, लेकिन इसका फ्लिप साइड ये भी देखने की बात है कि आज हम अपने बच्चों को अभी भी टेक्स्ट बुक में पढ़ा रहे हैं कि भारत अभी भी विकासशील देश है, इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग कंट्री। तो तीसरी चुनौती ये है कि इस देश के लोगों को मिलके लगना पड़ेगा कि हम ये डेफिनेशन बदलेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक्स को बदलेंगे। इन तीन चुनौतियों को समझिए। आज अशफाकुल्लाह खान साहब के जन्मदिवस के अवसर पर उस व्यक्ति ने, उन जैसे व्यक्तियों की पूरी टीम ने उस वक्त की चुनौतियों को समझ के अपने लिए एक सपना पैदा किया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की चुनौतियों को समझ के अपने लिए कोई एक सपना तो पैदा करिए। मेरा सपना जो मुझको सोने नहीं देता है इन्हीं तीन समस्याओं के इर्द गिर्द है। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। आज हमारे सब बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है। पिछले 5-7 साल में दिल्ली में हमें मौका मिला, हमने कुछ प्रयास किया है, हमने मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है कि जिन बच्चों को ठीक से पढ़ने लिखने का अवसर मिल गया है वो बच्चे राष्ट्र के प्रति इस समस्या को समस्या मानते हुए कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, अपना अपना दायित्व उस छोटे से सीमित समय और दायरे में निभाना शुरू करें। वो तरीका है मेंटरिंग का। हमने देश के हर पढ़े लिखे व्यक्ति को आह्वान किया है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 5 बच्चों को मेंटर करिए। मेंटरिंग में मैं ये नहीं कह रहा आप फिजिक्स पढ़ाइए उनको केमिस्ट्री पढ़ाइए, उनको जीई क्लियर कराइए। थोड़ी सी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, बच्चा मेहनत अपने आप करता है। वो मेंटरिंग हमने करानी शुरू की है, पिछले हफ्ते इसको लॉन्च किया था प्रोग्राम को। 12,000 युवा इस चीज के लिए आगे आ चुके हैं। अभी हमने 11वीं 12वीं से शुरू किया है। आइडिया यह है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के सभी बच्चों के ऊपर एक एक उनके साथ एक उनका एक कोई बड़ा भाई बड़ी दीदी उनके मेंटर के रूप में उनके साथ में अटैच हो, ताकि उसके दिमाग में रहे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, पुलिस में जाऊं कि इंजीनियरिंग में जाऊं, फौज में जाऊं कि आर्ट में जाऊं, क्या करना है, या पता नहीं, जाने ख्वाब तो यह है करूंगा कैसे, माँ बाप को भी नहीं पता, पढ़े लिखे नहीं है, घर में कोई और है नहीं बताने वाला, या जो है वो उनकी सीमा है बताने की। वहाँ फिर कोई आदमी लगे उसके साथ और उसके साथ उसके बड़े भाई बहन का फर्ज निभा दे, उतनी ही आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। 4 लाख बच्चे हमारे पास में 11th एंड 12th में है और लगभग इतने ही 9th एंड 10th में है। 8 लाख बच्चों की मेंटरिंग की जरूरत है। हर बच्चे को अगर लगभग एक व्यक्ति 5 बच्चों को 4 बच्चों को मेंटर करता है तो लगभग मान के चलिए 1.5 से 2 लाख मेंटर्स की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि ये सपना है, इसकी जरूरत है और ये इस वक्त देश की चुनौती है, तो आज कम से कम हम सोच सकते हैं कि हम 5 ऐसे युवाओं को तो जोड़ देंगे जो कम से कम 25 बच्चों को मेंटरिंग कर सकते हैं। ये मैं अपेक्षा करता हूँ। ये बहुत एक अलग तरीके का प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इसके जरिए हम शिक्षा को जन आंदोलन बना सकते हैं, उसकी शुरुआत हो गई है। मुझे लगता है कि हमें अपने हायर एजुकेशन में भी बहुत बदलाव करने की ज़रूरत है। बहुत तेज़ी से बदलती टेक्नोलॉजी को के साथ उसी स्पीड से दौड़ने वाले सिलेबस, पाठ्यक्रम, वही पढ़ाई का वातावरण, उसी तेज़ी से और वक्त से आगे चलने वाले पाठ्यक्रम हमको बनाने की ज़रूरत है। आज़ादी के 75 साल के बाद हमें ये सपना तो देखने का हक बनता है और ज़रूरत बनती है कि हम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ खड़ा करें अपने देश में कि अमेरिका, जापान, यूरोप के परिवारों में सामान्य चर्चा में हो कि यार अगर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देनी है तो इंडिया की एक यूनिवर्सिटी है वहाँ लेकर। हम बहुत सारी चीज़ों पर गौरवान्वित हो सकते हैं, लेकिन खाली शीशे के सामने खड़े होकर निहारने से काम नहीं चलेगा। हम कहाँ रुके हुए हैं, कहाँ अटके हुए हैं, वो देखने की ज़रूरत है। तो ये एक बड़ा सपना है कि हमारे देश में यूनिवर्सिटीज़ का एक पूरा पैनल ऐसा खड़ा हो जहाँ पढ़ने के लिए सिर्फ देश के परिवारों में नहीं दुनिया के परिवारों में सपना देखा जाए। क्या ये होना नहीं चाहिए कि अमेरिका के परिवार, यूरोप के परिवार और एशियन कंट्रीज, जापान जैसे देशों के परिवारों में बैठ के बच्चे सोच रहे हों कि मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ, 1-2 साल का, 4 साल का अच्छा प्रोफाइल बन जाए तो इंडिया की फला कंपनी में जॉब करूँगा।
हमारे यहाँ से भी स्कूल कॉलेज से निकलने वाले बच्चे वैसी कंपनियाँ बनाएं। स्कूल से हमने इसकी शुरुआत की है। मैंने यूनिवर्सिटीज़ को आज फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बार बार कहा है कि मुझे जब एनुअल फंक्शंस में बुलाया करें तो सिर्फ इस बात की श्लाघा ना रखें कि हमारे बच्चे इतने इतने करोड़ के पैकेज पे गए, इतने इतने लाख के पैकेज पे गए। उस प्रेजेंटेशन में वाइस चांसलर की रिपोर्ट में ये भी शामिल करना शुरू करें कि हमारे इतने इतने बच्चों ने निकल के ऐसी ऐसी कंपनियां बनाई हैं जिसने एक बच्चे ने 5 को जॉब दिया है, एक ने 500 को जॉब दिया है, एक ने 5000 को जॉब करने का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सामान बना दिया। तो उसके हमने उससे बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान होगा और आर्थिक प्रगति की समस्या का भी समाधान होगा। मैं यूनिवर्सिटीज़ को ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोग कुछ कमी कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं स्कूल एजुकेशन की भी कमी रही है। तो अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास जो कॉम्पिटिटिव बच्चा आए वो जॉब सीकर माइंडसेट से ना आए, वो खुद आपके यहाँ जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए तो वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ आए। हमने स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम शुरू किया है ताकि यूनिवर्सिटीज़ की, देश की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी में भी जो बच्चा जाए तो वो जॉब सीकर माइंडसेट से नहीं, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से जाए। भले ही वो जॉब करे फिर उसके बाद, भले ही बिजनेस करे, लेकिन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना चाहिए। उसी क्रम में हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, बिजनेस ब्लास्टर, जिसमें हम 11वीं और 12वीं के बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से 2,000 रुपये का सीड मनी दे रहे हैं। हम उन बच्चों को कह रहे हैं कि आप अकेले या अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ बिजनेस आइडिया बनाइए, कुछ नया करिए या नए तरीके से करिए। सरकार आपको 2,000 रुपये पर बच्चा आपको सीड मनी देगी, 10 बच्चे इकट्ठे हो जाओगे तो 20,000 रुपये देगी। वही नहीं छोड़ रहे हैं, उनके बिजनेस आइडियाज़ पे हम डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। दिल्ली के टॉप 100 बिजनेस आइडियाज़ का एक कार्निवल कराएंगे और उसमें इन्वेस्टर्स को बुला के उसी एज में उनको फंड भी कराएंगे बाद में। अभी तो सरकार सीड मनी दे रही है, बाद में हम कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टर्स आके फंड करें। और इसमें बड़ा काम जो एक हुआ है कि 12वीं क्लास तक आते आते जिस बच्चे ने इतनी मेहनत की और उसने अपना इतना शानदार बिजनेस आइडिया डेवलप किया, मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में रिक्वेस्ट किया, सभी वाइस चांसलर बहुत ग्रेसफुली इसके लिए तैयार हुए कि इनमें से जो टॉप बच्चे होंगे उनको हम डायरेक्ट एडमिशन देंगे यूनिवर्सिटी के BBA प्रोग्राम में, मैनेजमेंट प्रोग्राम में। यहाँ पर वो सीट्स क्रिएट की जा रही हैं जिनसे उन बच्चों को जो 12वीं क्लास पास करके आएंगे लेकिन वो कॉम्पिटिशन नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि बाकी बच्चे जिस वक्त कंपटीशन की तैयारी करके आपकी यूनिवर्सिटी में आने की तैयारी कर रहे होंगे उस वक्त ये बिजनेस ब्लास्टर्स जो है अपने बिजनेस आइडियाज डेवलप कर रहे होंगे और वहां के कंपटीशन से आपके यहाँ तक आएंगे। इससे बड़ा कंपटीशन कुछ हो नहीं सकता है। जब देश के निर्माण की बात आए, किसी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए अपने जान की कुर्बानी लगाई थी, हम अपने ज्ञान की कुर्बानी लगाए ना इसमें, हम अपनी जो हमें आता है हम उसकी कुर्बानी लगाए। तो आइए मिलकर लगाते हैं, देश को खड़ा कर लेंगे।